यस सर। ओके ओके ओके। पहले एक छोटा सा जल्दी से बेसिक लाइक हम डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में करे थे, कुछ जल्दी से क्विक रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या सीखा था हमने। सबसे पहले हमने सीखा था कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है, तो सभी बेटा अपने आपको म्यूट मोड पे रखेंगे अभी, ठीक है। ओके, फर्स्ट था फॉर एनी फंक्शन एफ एक्स टू बी कंटिन्यूस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट लेट्स से एक्स इक्वल्स टू ए, वी नो की एल एच एल एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू होना चाहिए आर एच एल एट एक्स इक्वल टू ए, और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, तीनों सेम होना चाहिए। दिस वॉज द कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी। फिर हमने डिफ्रेंशिएबिलिटी सीखा था कि एफ एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू ए, एंड जब हम बोलते हैं डिफरेंशियबल तो उसका मतलब हम क्या जानना चाह रहे हैं, बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो उस पॉइंट पर कोई यूनिक टेंजेंट हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। सो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है एट एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट पर, देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसमें डेरिवेटिव आएगा, लिमिट नहीं, डेरिवेटिव निकालना है। एंड फॉर्मूला याद होगा आई होप सभी को कि लेफ्ट हैंड लिमिट और डेरिवेटिव हम इस तरह से लिखते थे एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए होल डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, और जब राइट हैंड लेंगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड टू ए पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ए होल डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, ठीक है। और इसी को हम रिप्लेस करके फिर आगे क्या लिख देते थे, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एक्स में एक्स की जगह पर ए माइनस एच माइनस एफ ए, और नीचे क्या बचेगा, माइनस एच, और राइट हैंड जब लेंगे हम डेरिवेटिव तो उसमें आएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ए पॉजिटिव एच माइनस एफ ए होल डिवाइड बाय पॉजिटिव एच, ठीक है। ओके ओके, छोटा सा जल्दी से पोल स्टार्ट करेंगे एक, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखूंगा बेटा एंड सभी को अपना आंसर ऑप्शन जो होगा पोल मीटर में टाइप करना है, ठीक है। उसका फिर मैं शेयर करूंगा आपसे रिजल्ट कि आपने सभी ने सही दिया या नहीं दिया, और सभी को ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, जल्दी से रश नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना देन आंसर। सर एक मिनट नोट कर ले पहले। हाँ बेटा ये कंडीशन लिख लो, दिखना है तो बाकी सारी पीडीएफ बेटा सेव होंगी, तो आपको अभी ड्राइव का या कोई एक लिंक दिया जाएगा जहां से आप सारे एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो अगर कुछ लेट से रह भी जाता है, अगर आप नोट नहीं कर पा रहे तो डोंट वरी, ठीक है। ये हमने दो कंडीशन डिस्कस करी थी कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, और डिफरेंशियबल है तो उसके लिए क्या कंडीशन है। ओके ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी, ठीक है। एंड चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, मैं पोल स्टार्ट करूंगा तो आपको अपना ऑप्शन वहां पर टाइप करना कि क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में कहा गया इफ एफ एक्स इज differentiable at x equals to a, then option number first है, then fx is not continuous at x equal to a, second option है fx is continuous at x equal to a, c option है fx is is not defined at x equal to a, और d है none of these, ठीक है। और मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, तो सभी को ऑप्शन a b c d में से फर्स्ट चॉइस के लिए a, सेकंड चॉइस के लिए b, थर्ड चॉइस के लिए c एंड फोर्थ चॉइस के लिए d टाइप करना है, ठीक है। मैंने पोल स्टार्ट कर दिया, जल्दी से सभी को एक मिनट मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं, 30 सेकंड्स में, 30 seconds to 1 minute maximum. Guess नहीं करना है, थोड़ा सा like दिमाग लगा कर like concept आपको सिखाए गए चीजें ये like आपको पता होनी चाहिए, तो think and then answer. Question में given है कि fx is differentiable at x equal to a, then which of these is true? fx is not continuous, fx is continuous, fx is not defined at x equal to a, or none of these. fx is not defined at x equal to a. बोला नहीं है बेटा, सभी को अपने आपको म्यूट मोड पे रखना है, अपने आपको।
ओके okay. तो पोल एंड कर रहा हूं मैं, जिनका जल्दी से आंसर नहीं आया फटाफट आंसर सभी का आ जाना चाहिए। सभी का अभी भी आंसर नहीं आया है भाई, जल्दी से, 1 मिनट हो गए। ओके मैं पोल एंड कर रहा हूं। ओके सो मैं शेयर भी कर देता हूँ रिजल्ट। ओके सभी को दिख रहा है बेटा रिजल्ट, कौन सा आंसर सही होगा। ज्यादातर बच्चों ने जो लाइक ऑप्शन चूज किया है दैट इज सेकेंड ऑप्शन जो कि करेक्ट है। कुछ बच्चों ने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करा है एंड कुछ बच्चों ने थर्ड ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन किसी ने सेलेक्ट नहीं किया। तो बेटा फर्स्ट मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बनता है कि फंक्शन जो है डिफरेंशियबल है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है इसका मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट पर बेसिकली वो कंटिन्यूस होगा, क्योंकि अगर आप टेंजेंट यूनिट टेंजेंट बना रहे हो तो वो फंक्शन जिस पॉइंट पे आप बना रहे हो वो उस पॉइंट पर ब्रेक तो होना ही नहीं चाहिए, और अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो उस पॉइंट पर, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पर अगर लिमिट निकालोगे तो वो भी सेम आएगा। तो दैट मीन्स उस पॉइंट पर आपका जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी डिफरेंशियबल कह सकते हैं। यानी कि अगर कोई आपको बोलता है कि अगर फंक्शन कोई डिफरेंशियबल है किसी पॉइंट पर, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो अपने भी क्या हो गया, कंटिन्यूस तो पक्का हो गया। लेकिन अगर ये लिखा है, अब मैं एक और पोल स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, देन अब आंसर दे रहा हूं, ठीक है। ये सभी को बेटा क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं इसमें? नहीं है क्लियर। ओके ओके मैं एक बार दोबारा अच्छी तरह से क्लियर कर देता हूँ। लुक क्वेश्चन था कि एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू ए। अगर मैंने बोला है कि कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है इसका मतलब क्या बेटा, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी पॉइंट पर अगर आप कह रहे हो कि कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है, तो लेट्स से इस पॉइंट पर, तो उसका मतलब आप उस पॉइंट पर यूनिक एक टेंजेंट निकाल सकते हो। अब आप टेंजेंट कब ड्रॉ कर पाओगे, सोच के देखो, अगर ए पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड होगा और कंटिन्यूस होगा तभी आप उसका क्या निकाल सकते हो, यूनिक टेंजेंट निकाल सकते हो, अदरवाइज वो डिफरेंशियबल भी नहीं होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो अगर कोई कहता है आपको कि कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है किसी पॉइंट पर, तो उसका मतलब डेफिनेटली वो कंटिन्यूस पक्का होगा। लेकिन अब अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे, सेकंड क्वेश्चन है मेरा, सभी ध्यान से आंसर पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, देन पहला ऑप्शन है एफ एक्स इज नॉट, मतलब इनमें से कौन सा ऑलवेज ट्रू होगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो पहला है कि एफ एक्स इज, ये ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट ऑप्शन चेंज कर देते हैं हम, फर्स्ट ऑप्शन कर देते हैं एफ ए इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स। सेकेंड है एफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, बट एफ ए इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स। थर्ड ऑप्शन है एफ एक्स इज ऑलवेज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू ए, और लास्ट ऑप्शन है एफ एक्स मे और मे नॉट बी डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो ये चार ऑप्शन है कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पर तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन इज एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स। सेकेंड ऑप्शन एफ ए इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। थर्ड ऑप्शन इज एफ एक्स इज ऑलवेज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू ए ऑलवेज, एंड लास्ट ऑप्शन इज एफ एक्स मे और मे नॉट बी डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू। तो पोल लॉन्च कर रहा हूं मैं, सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आई होप। ओके तो पोल लॉन्च हो गया, आपको बेटा जल्दी से आंसर टाइप करने, जल्दी से फटाफट आंसर आना चाहिए सभी का। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया बोलकर, तो आपका आंसर जल्दी से आना चाहिए। एंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो दोबारा पढ़ सकते हो। जल्दी से सभी का रिस्पॉन्स आना चाहिए भाई, कोई बच्चा रह नहीं जाए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एटलीस्ट आप आंसर तो करो।
अगर किसी पेपर में नेगेटिव मार्किंग है तो यू शुड लाइक थिंक कि पहले अगर आपको आता है तभी आंसर करो, बट अभी यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही, पर फिर भी क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर करो कि आपको जो लगता है बेस्ट पॉसिबल इनमें से होना चाहिए। एंड सिंगल करेक्ट है, कोई मल्टीपल करेक्ट नहीं है, एक ही ऑप्शन ठीक है इसमें से। ओके अभी काफी बच्चे भाई रह गए आई कैन सी जिन्होंने आंसर नहीं दिया अभी तक, जल्दी जल्दी सभी के आंसर भाई जल्दी से। लास्ट सेकेंड 5 seconds। ओके 10-12 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं दिया। ओके सो ज्यादातर जो बच्चे पहला जो आंसर था वो ज्यादातर बच्चों ने सही दिया था, बट इस बार ज्यादातर बच्चों ने आंसर दिया है सी। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है सिर्फ 6%, 3 बच्चों ने, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग बेटा। अगर बोला गया है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमें पता है कि अगर एफ एक्स, मैंने सबसे पहले बेटा देखो ध्यान से देखो यही तो चीज समझा रहा था मैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों सेम आएंगे। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन होती है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है तभी क्या होगा उसकी उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी उस पॉइंट पर। तो अगर आपको कहा गया कि कोई फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये तो पता ही लग गया कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कि लिमिट जो होगा एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स वो इक्वल नहीं होगा, ये तो रॉन्ग है क्योंकि कंटिन्यूस के लिए तो कंडीशन ही है कि वो इक्वल होने चाहिए। तो लिमिट जब हम लिखते हैं एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स तो इसका मतलब होता है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों वैल्यूज जो है वो एग्जिस्ट करती है और इक्वल है दोनों, तो कंटिन्यूटी के लिए तो इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग है क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इक्वल ही आना चाहिए। सेकंड ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन भी क्यों, क्योंकि उसमें लिखा है कि एफ एक्स जो है या एफ ए जो है वो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ रहा है बट एफ ए जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रहा, ये भी रॉन्ग है क्योंकि राइट हैंड लिमिट के भी इक्वल आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया आपका। थर्ड था एफ एक्स इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, तो काफी बच्चों ने आंसर जल्दी से ये दे दिया, बट उन बच्चों ने मैं एम्फेसाइज भी करा था इफ यू रिमेंबर, ऑलवेज बेटा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि काफी सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कंटिन्यूस होते हैं बट डिफरेंशियबल नहीं होते, और मैंने लास्ट क्लास में इफ यू रिमेंबर मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि मॉडुलस जो फंक्शन होता है मॉड एक्स वो कंटिन्यूस होता है हर जगह पर एवरीवेयर बट डिफरेंशियबल नहीं होता अपने क्रिटिकल पॉइंट पर। इफ यू रिमेंबर लास्ट टॉपिक यही था, मैंने दो ग्राफ बनाकर x square का और मॉड एक्स का समझाया था कि दोनों में से कौन डिफरेंशियबल होगा कौन सा नहीं होगा, किस पॉइंट पे नहीं होगा, चलो दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा एफ एक्स जो होगा वो डिफरेंशियबल नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं कह सकते हम कि हमेशा ही डिफरेंशियबल होगा या हमेशा डिफरेंशियबल नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, इट मे और मे नॉट बी, तो सिर्फ 11 बच्चों ने आंसर दिया है करेक्ट। ओके समझ में आया बेटा सभी को? यस सर, यस सर। जल्दी से क्योंकि काफी बच्चों को भाई सिर्फ 11 बच्चों के अलावा बाकी सभी ने आंसर रॉन्ग दिया है, तो आई फील कि मुझे डिस्कस करना चाहिए जल्दी से कि एफ एक्स लेट्स हमने लिया मॉड एक्स, हमने डिस्कस किया था कि कौन से फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं, उनमें से मॉड फंक्शन एक फंक्शन था, पॉलीनोमियल फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस, जिनमें से मॉड भी हमारा एक फंक्शन था जो ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, और इसके ग्राफ से आप ये बात नोटिस कर सकते हो क्योंकि इसका ग्राफ कभी ब्रेक नहीं होता, तो आपको दिख रहा होगा कि ग्राफ से ही डायरेक्टली देखकर हम बता सकते हैं कि मॉड एक्स इज ऑलवेज ऑलवेज कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो इसका मतलब अब कंटिन्यूस तो है, अब हमें चेक करना है क्या डिफरेंशियबल भी होगा, तो डिफरेंशियबल के लिए मैंने बताया था क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो मॉड एक्स का अगर आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो मॉड के अंदर जो भी लिखा है उसको जीरो रखकर क्या आएगा, एक्स जीरो आएगा। अब मुझे जीरो पर इसको टेस्ट करना है क्योंकि अगर मैं फंक्शन को इसको डेफिनेशन को ब्रेक करूं तो इफ यू रिमेंबर आपको याद होगा जब एक्स के लिए लेस देन जीरो होगी तो क्या आएगा आंसर, माइनस एक्स आएगा, और अगर एक्स के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो ये बात बेटा जल्दी जल्दी बताओ सबको समझ में आई कि मैंने माइनस एक्स प्लस एक्स कैसे ब्रेक कर दिया? क्योंकि अगर x के वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव सर रिपीट करना। ठीक है बेटा, ठीक है। तो मैंने बोला कि जब बेटा क्रिटिकल आपने पॉइंट निकाला कैसे निकाला, मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ था आपने उसको जीरो रखा, x की वैल्यू जीरो आ गई, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट से आप क्या करोगे, एक बार लेस वैल्यू लोगे और एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू लोगे। तो जब आप x की वैल्यू सोच के देखो, जब आप जीरो से कम कुछ भी लेते हो तो आपका x की वैल्यू जीरो से कम लेने का मतलब आप नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो। अब अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हो और आपको मॉड x पता है हमेशा ही पॉजिटिव होता है तो आप मॉड अगर हटाओगे तो फिर तो वो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अगर सिर्फ x लिख दिया तो और x लेस देन जीरो है तो आंसर नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए, भाई बाहर क्या लिख दो, नेगेटिव लिख दो, क्लियर हुआ?
भाई अगर आपने x की वैल्यू चूज करी माइनस टू और आपने ऐसा लिख दिया माइनस एक्स, तो अपने आप ही पॉजिटिवली बन जाएगा बेटा। yes, तो यानी कि जो मेरा मॉड का काम होता है, मतलब बेसिकली पर्पस ऑफ मॉड लगाने का पर्पस क्या है कि वो पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। नेगेटिव क्यों लगाया ये बात समझ में आई सबको? और अगर एक्स का वैल्यू, और एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव है या इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब है कि अगर मॉड नहीं लगाऊंगा तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि मॉड का काम सिर्फ पॉजिटिव लाना था। तो अगर आप एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही ले रहे हो फिर मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। अब आता है इस क्रिटिकल पॉइंट पे ही टेस्ट करना है मुझे कि ये फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं, क्योंकि यहीं पर ही डेफिनेशन चेंज हो रही है। क्योंकि दोनों के दोनों जो फंक्शन लिखे हुए हैं माइनस एक्स और एक्स है, तो दोनों के दोनों पॉलीनोमियल फंक्शन हर जगह पे डिफरेंशियबल होता है, लेकिन क्योंकि डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, एक्स लेस देन जीरो पे अलग है फंक्शन और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे एक्स आ रहा है, इसलिए मुझे चेक करना पड़ेगा। और इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट, जो मैंने सीपी लिखा शॉर्ट में, क्रिटिकल पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पॉइंट पे मुझे डायरेक्टली नहीं बोलना कि होगा नहीं होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा अगर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। तो जो मॉड फंक्शन हो गए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गए, इनको हमें चेक करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते। तो अब मैं क्या करूंगा, एक तरीका तो है मैं दोनों का डेरिवेटिव कर लेता हूं, सिंपल सा। क्या आएगा भाई, पहले वाले का आंसर माइनस वन आ जाएगा, दूसरे का वन आ जाएगा। क्लियर हुई भाई? माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन और एक्स का डेरिवेटिव वन आएगा। अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के भी देखोगे फॉर्मूला लगाकर, तब भी वही आएगा। ठीक है, तो अब यहां पर मुझे देखकर बता दो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है आपका, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो कितना आ रहा है, माइनस वन आ रहा है। लेकिन क्या ये इक्वल आ रहा है राइट हैंड डेरिवेटिव की? नो सर। भाई नहीं आ रहा, क्योंकि वो इक्वल टू आ रहा है क्या, वन। तो आपको बात ये बात समझ में आ गई कि ये फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है। Therefore, fx equal to mod x is not differentiable at x equal to zero. तो मुझे समझ में आया कि mod जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस हर जगह होता है, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि डिफरेंशियबल भी होगा। और डिफरेंशियबिलिटी मैं कहां पर टेस्ट करूंगा, क्रिटिकल पॉइंट पर। ठीक है, सभी को आया बेटा समझ में? Yes, sir. तो ये सिर्फ एक मॉड का एग्जांपल था जिसमें डिफरेंशियबल नहीं आया, पर ऐसा नहीं कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो पक्का डिफरेंशियबल नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी। ये बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, बिकॉज काफी बच्चों ने सेकंड जो क्वेश्चन मैंने पूछा बेटा आंसर रॉन्ग दिया था। नाउ अब कुछ जो पॉइंट हमारे रह गए मिसिंग पॉइंट उनको डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की हमने कंडीशन कर ली है, हाउ टू इवैल्यूएट द लिमिट ये हो चुका है आपका। अब कुछ टॉपिक आते हैं, सबसे पहले कि कंटिन्यूटी जो होती है वो हमने पढ़ लिया कि कंटिन्यूस के लिए कंडीशन क्या है, कि कोई अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसके लिए कंडीशन क्या है। अब आता है टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो लाइक आपके जेई के एग्जाम में उसमें ये भी चीज पूछी जाती है कि टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ, मतलब कंटिन्यूस तो नहीं है मान लिया कोई फंक्शन, बट कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। तो दो तरह की टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो अगर बेटा आप नहीं लिख पा रहे हो कोई बात नहीं, ये नोट सेव रहेंगे, आपको मिल जाएंगे, तो यू कैन ऑल एक्सेस, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो समझने पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए, सभी का दिमाग सिर्फ स्क्रीन पे होना चाहिए और पेन नोटबुक लेके बैठो। अगर कुछ करनी है वर्किंग तो आई विल आस्क यू, तो वो आप लिखकर करोगे कैलकुलेशन। लेकिन अभी लिखने पे ज्यादा दिमाग नहीं, ध्यान समझने पे होना चाहिए आपका, क्योंकि क्या होता है कई बच्चे सिर्फ लिखते रहते हैं तो उसमें फिर क्या होता है जब मैं पूरा टॉपिक खत्म करूंगा फिर आपको लगेगा कि सर लाइक समझ में तो आया नहीं, दोबारा एक्सप्लेन करो। तो बेटा अपना लिखने पे ध्यान छोड़ दो अभी। ठीक है, ओके, किसी भी मोमेंट पे किसी को नहीं आता बेटा यू कैन आस्क मी अनम्यूट करके। ओके, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में पहला आता है हमारा, एक होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, मतलब ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, और एक होता है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो दोनों डिस्कस करते हैं, इसमें भी सब टाइप्स हैं। तो पहला आता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के, पहला टाइप होता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया, लेट्स से y या fx equals to, क्या ले लेते हैं, x square minus 1 upon x minus 1, और कह दिया कि when x is not equal to 1। अब सबसे पहले अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो बेटा जल्दी से बताओ क्या आएगा, अगर इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, क्या बताएगा? So, x square upon x. हाँ, अगर मैं अगर मैं इसका कौन सा लिमिट निकाल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड LHL निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा आंसर बताएगा कोई, क्या आ रहा है? तो x square upon x, x square upon x कैसे आ जाएगा बेटा? एक मिनट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x equal to 1 निकाल रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x tending to 1 minus
x square minus 1 upon x minus 1. मैंने देखा मैं तो factorize कर सकता हूँ क्योंकि अगर मैं directly 1 put कर दूँगा तो ये तो 0.0 की form में बन जाएगा. तो मुझे factorize करना याद है methods कि how to evaluate limit. तो मैंने factorize कर लिया a minus b a plus b का formula लगा दिया. तो नीचे आ गया x minus 1. तो हमने notice करा कि x की value tending to मतलब किसको approach कर रही है 1 को approach कर रही है left side से. तो x minus 1 दोनों का common factor है इनको मैं cut out कर सकता हूँ. अच्छा अब कोई बच्चा बोलेगा सर x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 1 माइनस 1 ऊपर भी 0 आएगा नीचे भी 0 आएगा तो फिर 0 अपॉन 0 ऐसे काट तो नहीं सकते ना बिकॉज आपको सभी को पता होना चाहिए 0 अपॉन 0 1 नहीं होता. तो ऐसे फिर अगर काट नहीं सकते तो फिर अब मैंने क्यों काट दिया x माइनस 1 उसका रीजन ये है क्योंकि x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 नहीं है. x की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है लेफ्ट साइड से. 1 माइनस का मतलब है 1 से थोड़ी सी कम है तो क्या होगी 0.9999 कुछ ऐसी होगी. तो अगर 0.9999 में से आप 1 माइनस करते हो तो आपका आंसर एग्जैक्टली 0 नहीं आएगा. 0 को अप्रोच करेगा बट एग्जैक्टली 0 नहीं आएगा. तो अगर एग्जैक्टली 0 नहीं आ रहा है तो कुछ ऐसा अगर मान लो आंसर आता है माइनस करके और नीचे भी ऐसा ही आंसर है तो आप तो काट सकते हो ना आप तो कह सकते हो 1 को. तो ये अलाउड है ये ठीक है बट अगर 0.0 एग्जैक्टली है तो आप काट नहीं सकते ऐसे. ठीक है क्लियर है बात. तो ये मैंने काट दिया. ये मैंने इसलिए काट दिया क्योंकि भाई अप्रोच कर रहा है 1 एग्जैक्टली 1 नहीं है. ठीक है तो अब मैं 1 पुट कर देता हूं क्योंकि अब प्रॉब्लम ही नहीं होगी. x प्लस 1 कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा 1 प्लस 1 2. अच्छा 1 माइनस लिखने का मतलब कई बच्चों को लगता है नेगेटिव 1. बेटा वो नेगेटिव 1 नहीं है. 1 माइनस का मतलब होता है x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम है. और फिर अगर h की फॉर्म में लिखना है आपको तो आप क्या करते हो इस स्टेप के बाद कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं लिमिट h टेंड टू 0 और x जहां पर भी लिखा है उसकी जगह क्या लिख देते हैं 1 माइनस h लिख देते हैं. मतलब मैं कह रहा हूं कि मेरा जो x का वैल्यू 1 से थोड़ा सा क्या है कम है और वो जो h लिखा है आपने वो अप्रोक्सीमेटली क्या है किसको अप्रोच कर रहा है 0 को अप्रोच कर रहा है. तो अगर h 0 को अप्रोच करेगा मेरा आंसर कहां अप्रोच करेगा 2 को अप्रोच करेगा. या तो आप डायरेक्टली पुट कर दो जब आपका नॉट डिफाइंड फॉर्म में नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली x की वैल्यू पुट कर सकते हो. ठीक है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आई और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी आपकी जल्दी से बताओ. इसकी राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 क्या आएगी लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस. इसमें भी वही होगा भाई x माइनस वन काट सकते हैं दोबारा टू और अगर आप हाँ माइनस वन है तो ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर अभी भी क्या आएगा आपका 2 आएगा. अच्छा दोनों लिमिट इक्वल आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट. अब लेकिन क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ फंक्शन कंटिन्यूअस है जल्दी से बताओ फटाफट. नो सर फंक्शन को देखो ध्यान से फंक्शन को ध्यान से देखो. नो सर हाँ नहीं बोल सकते हाँ वेरी गुड. उसका रीजन है भाई कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट इक्वल तो आ गई. जब x के लिए एक्जेक्टली 1 नहीं थी तो हमने फंक्शन लेके सॉल्व कर दिया. बट अगर मुझसे कोई पूछे कि एफ ए कितना होगा एफ ए मतलब एफ 1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर तो ये बात बोली ही नहीं हुई क्योंकि फंक्शन में ये बात डिफाइन ही नहीं करी हुई कि जो फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू जब 1 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है. तो ये तो नॉट डिफाइंड है. नॉट डिफाइंड मतलब दी ही नहीं हुई मतलब फंक्शन में बताया ही नहीं हुआ कि जब x 1 होगा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी. तो अब अगर ये दिया ही नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है. तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे इसकी जो डिसकंटिन्यूटी है वो कौन से टाइप की है जो मैंने बोला मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी. तो आपको इस नाम से ही ये बात सजेस्ट हो गया होगा समझ में आ गया होगा कि इसका नाम मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्यों पड़ा क्योंकि इसमें जो एक पॉइंट है पॉइंट पर वैल्यू जो फंक्शन की होनी चाहिए वो डिफाइंड ही नहीं. समझ आया? यस सर. यस सर. तो और अब इस फंक्शन इस जो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी का मैंने नाम लिखा था रिमूवल डिसकंटिन्यूटी. रिमूवल मतलब होता है कि ऐसी डिसकंटिन्यूटी को आप रिमूव कर सकते हो कैसे फंक्शन को रीडिफाइन करके. तो इस फंक्शन को मैंने रीडिफाइन कर दिया कैसे. तो मैंने ऐसे बोल दिया कि फंक्शन एफ एक्स ऐसा होना चाहिए था एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 और फिर लिख दिया 2 नीचे लिख दिया व्हेन एक्स इक्वल टू 1. तो क्या अब बोल सकते हैं ये फंक्शन कंटीन्यूअस है एक्स इक्वल टू 1 पर? यस सर. क्योंकि इस बार एफ 1 की वैल्यू जो होगी वो 2 आएगी और आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी दोनों क्या है बेटा इक्वल टू 1 पर सेम है. तो अब हम कह सकते हैं ये फंक्शन जो हो गया वो क्या हो गया कंटीन्यूअस हो गया. क्लियर है 1 पर? किसी को डाउट तो नहीं बेटा इसमें? नो सर. नो सर. ठीक है अब आता है नेक्स्ट इसी टाइप का एक और रिमूवल डिसकंटिन्यूटी जिसका नाम है सेकंड. पहला था हमारा कौन सा मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी. अब सेकंड पढ़ रहे हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में ही दैट इज नोन एज आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी. आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी जैसे पहले वाले में तो आपका जो पॉइंट एग्जैक्टली उस पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू था वो गिवन इन था मिसिंग था मतलब दिया नहीं हुआ था. अब आइसोलेटेड से आपको नाम से मतलब समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या होगा जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है लेट्स से वो तो इक्वल आ रहा है लेकिन जो आप एग्जैक्टली उस पॉइंट पे वैल्यू होना चाहिए वो सेम नहीं आ रहा है. तो ये हो गया आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी. तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से. तो लेट्स से मैंने कहा कि एफ एक्स दे दिया या वाई दे दिया फिर इसको नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे.
नहीं नहीं आइसोलेटेड पॉइंट वाला भी बेटा रिमूवल है, क्योंकि उसमें क्या होगा जो आपकी एग्जैक्टली पॉइंट पे वैल्यू दी हुई है, अगर मैं उसको चेंज कर कर ऐसी वैल्यू लिख देता हूँ जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट के इक्वल है, तो ये भी क्या होगा रिमूवल हो जाएगा। ठीक है सर, ये रिमूवल का पार्ट है। हाँ रिमूवल का ही पार्ट है बेटा। तो उसमें पहला था मिसिंग पॉइंट और अब है आइसोलेटेड पॉइंट। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझ में आएगा। तो लेट्स से मैंने एक फंक्शन ले लिया सिग्नम फंक्शन एक्स का मॉड ले लिया। अच्छा सभी को पता है सिग्नम फंक्शन क्या होता था? सिग्नम फंक्शन जल्दी से भैया आ रहा है किसी को? किसी को भी याद नहीं आ रहा सिग्नम फंक्शन? चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से। सिग्नम फंक्शन क्या होता था बेटा? एफ एक्स इक्वल टू कुछ ऐसा लिखते थे, मॉड एक्स डिवाइड बाय एक्स जब एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो लिख देते थे जब एक्स इक्वल टू जीरो। ये होता था मॉड, हमारा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का जो वैल्यूज होती है मतलब डोमेन और रेंज, चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से। सर ऊपर शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं सिग्नम फंक्शन। हाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पर, दोबारा डिफाइन कर रहा हूँ, मॉड एक्स डिवाइड बाई एक्स जब एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। मैं ग्राफ भी दिखा देता हूँ तुम्हें जल्दी से क्या होता है इसका। ये इसकी डेफिनेशन है। अब सोच के देखो आप, एक्स की वैल्यू अगर आप जीरो जीरो लेते हो तो वो कह रहा है फंक्शन का आंसर भी जीरो होना चाहिए। ठीक है तो इसका ग्राफ कुछ देखना आप कैसा बनेगा। तो एग्जैक्टली जीरो पे आप कह रहे हो जीरो ही है फंक्शन का वैल्यू। तो मैंने एक सॉलिड डॉट लगा दिया सेंटर में, सभी को दिख रहा होगा। ठीक है यस सर। ठीक है और लेट से मैं इसको दूसरे कलर से डिनोट कर देता हूँ, लेट से यहाँ पे। तो मैंने कह दिया जब x की वैल्यू जीरो तो y भी जीरो आएगा, यानी फंक्शन की वैल्यू भी जीरो आएगी। लेकिन अगर x की वैल्यू जीरो नहीं है, कुछ और ले लो आप, कुछ भी ले लो, बताओ क्या लें x के लिए। लेट से माइनस थ्री ले लिया, तो माइनस थ्री का मॉड डिवाइड बाय माइनस थ्री कितना आंसर आएगा बेटा? थ्री अपॉन माइनस थ्री, क्योंकि मॉड तो पॉजिटिव बन जाएगा तो आंसर क्या आएगा? माइनस वन। अच्छा आपने माइनस टू लिया मॉड में तब भी कितना आएगा? माइनस वन। तो आपने नोटिस किया कि अगर नेगेटिव में कुछ भी लूंगा अगर मैं अब x की वैल्यू, तो हमेशा आंसर क्या आएगा? y का वैल्यू कुछ और नहीं, सिर्फ a की वैल्यू आएगी, क्या? माइनस वन आएगा। ये लेट से मेरा माइनस वन है और ये y का वैल्यू वन है। तो यानी कि अगर मैं कोई भी नेगेटिव लेता हूँ, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है? लेफ्ट साइड पर। तो हमेशा आंसर क्या आता जाएगा? माइनस वन आता जाएगा। लेकिन जैसे ही माइनस जीरो पे जाएंगे तब आंसर जीरो आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया? एक एम्प्टी डॉट बना दिया। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जीरो पर आंसर माइनस वन नहीं है, x की वैल्यू जीरो पर y भी कितना है? जीरो है। लेकिन बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं, आप जो भी x की वैल्यू लोगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, सभी के लिए आंसर आपका कितना आएगा? माइनस वन आएगा। समझ में? तो ऐसा एक रे बन जाएगा। ये बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और अब क्वाइट ऑब्वियस है कि अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव लेता हूँ तो ऊपर भी पॉजिटिव आएगा मॉड x में, नीचे भी x में पॉजिटिव आएगा, तो फिर हमेशा आंसर क्या आएगा? वन आएगा। तो इसका मतलब अब ऐसे आ जाएगा ओपन ओपन डॉट और इस तरह से। ठीक है समझ में? Yes, sir. तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन होता है एंड आई होप समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको सिग्नम का फंक्शन का डोमेन बोलूं, क्या है इसका फंक्शन का? डीएफ मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो आप कहोगे डोमेन सर इसका क्या होगा? एवरी रियल नंबर, बिकॉज एक्स की वैल्यू तो आप कुछ भी ले लो फंक्शन तो ऑलवेज डिफाइंड है। मतलब फंक्शन के लिए हर नेगेटिव वैल्यू पे भी डिफाइंड है, पॉजिटिव पे भी डिफाइंड है और एग्जैक्टली जीरो पे भी डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं बोलूं इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा भाई? रेंज मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फंक्शन, y की वैल्यूज जो आ सकती है वो क्या क्या आ सकती है? क्या होगा? एवरी रियल नंबर होगा। हाँ क्या होगा? माइनस वन से माइनस वन टू वन क्या होना चाहिए भाई? चलो चलो एक जल्दी से एक पोली क्रिएट कर देते हैं इसके लिए। इसके लिए एक पोली क्रिएट कर देता हूँ। क्वेश्चन है रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, ये शॉर्ट में लिख देते हैं सिग्नम फंक्शन एक्स, रेंज क्या होना चाहिए? तो मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ जल्दी से, आपको ऑप्शन बता रहे हैं। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शंस दे रहा हूँ। माइनस वन लिखा है, डोमेन तो बेटा आर ही होगा, एवरी रियल नंबर, उसमें तो कोई लाइक डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक्स की वैल्यू सब वैल्यूज पे वो फंक्शन आपको दिख रहा होगा डिफाइंड है भाई। एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो आंसर तो आएगा, राइट? क्लियर है? यस सर। ओके चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, बोला नहीं अभी किसी को भी। सिग्नम फंक्शन का आपको रेंज बताना है, रेंज मैंने लिखा नहीं है आपको बताना है। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन दिया, मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ ताकि आपको हेल्प मिल जाए, पर आपको ध्यान से समझना है और फिर आंसर देना है, रश नहीं करना। ठीक है और डी है ऑप्शन। ओके सो मैंने पोल लॉन्च कर दिया, आपको जल्दी से आंसर बताना है और पोल स्टार्ट हो गया। ए बी सी डी जल्दी से ऑप्शन, व्हाट इज द रेंज ऑफ द सिग्नम फंक्शन given by mod x upon x when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0.
जल्दी से फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए। मैंने ग्राफ भी शो कर रखा है तो किसी को अगर लाइक ग्राफ से भी हेल्प मिल जाएगा कि भाई आपको दिख जाएगा कि भाई इसका रेंज क्या होना चाहिए, ग्राफ से भी आप समझ सकते हो। मतलब इसमें कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है कि आप कैलकुलेट करने बैठोगे कि इसका रेंज निकालने के लिए हमें क्या क्या करना है। लाइक टिपिकल जो फंक्शन के क्वेश्चन में डोमेन और रेंज हम निकालते थे तो उसमें कुछ एफर्ट करते थे, निकालते थे, देखते थे कि कहाँ से कहाँ आएगा। बेसिकली रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द आउटपुट। एक्स की हर पॉसिबल वैल्यूज के लिए जो पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज होती है दोज आर कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। जल्दी से अभी भी 15-20 बच्चों ने आंसर नहीं दिया, सिर्फ 75% वोटिंग हुई है। जल्दी से भाई फटाफट, 1 मिनट इज पास्ट ओवर हो गया, लास्ट 10 सेकेंड्स जल्दी से। ओके अभी भी 15 बच्चे रह गए। बेटा आप आंसर नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं लगेगा कि आप सुन रहे हो ढंग से या नहीं, तो बेटा आंसर सभी को करना है, इवन चाहे गलत हो बेटा कम से कम आंसर करो, सो आई गेट टू नो कि हाँ सारे के सारे ध्यान से क्वेश्चन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ओके मैंने पोल एंड कर दिया एंड आई एम शेयरिंग द रिजल्ट। ज्यादातर बच्चों ने भाई जो आंसर दिया है वो दिया है 22, टाई हो गया फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन में टाई है, तो पहले तो दोनों एलिमिनेट कर देते हैं, बी और सी तो बिल्कुल नहीं है भाई। अब फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन में टाई है बच्चों में, तो उनको मैं बता देता हूं। तो मैंने ऑप्शन भी ऐसे दिए थे कि मुझे पता था कि कुछ बच्चे फर्स्ट या सेकंड या थर्ड इनमें से आंसर देंगे, थर्ड तो क्वाइट ऑब्वियस था नहीं होगा। अब बेटा फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें देखो लिखा क्या हुआ, जिन्होंने रॉन्ग किया है उनका रॉन्ग क्यों हुआ, देखो -1 से जब कोई कहता है 1 के बीच में ये आंसर है, तो इसका मतलब बेटा होता है कि -1 से 1 सारी वैल्यूज आएंगी, सारी इंक्लूडिंग -1 एंड 1, तो -1 भी आएगा, बीच में 0 भी आएगा। अब उस बच्चे को लग रहा है जिसने आंसर दिया है फर्स्ट ऑप्शन, उसको लग रहा है -1 से 1 सर ने बताया तो यही आंसर होगा। बेटा -1 से लेकिन 1 इंटरवल में अगर लिखते हैं तो उसका मतलब तो ये भी होगा कि 0.8 भी आएगा, इसका मतलब तो ये होगा -0.5 भी आएगा। लेकिन आप मुझे देखकर बताओ ग्राफ कि कभी भी y की वैल्यू -1, 0 और 1 के अलावा, इन तीन वैल्यूज के अलावा कुछ और आ सकती है, नहीं आ सकती। दिख रहा है सभी को? यस सर। Yes. बेटा तो बेटा फाइनल आंसर इंटरवल में नहीं देना है, हमें क्या देना है भाई, सेट बनाकर देना है। सेट बनाकर मतलब जब आपके जो आंसर्स होते हैं वो इंडिविजुअल वैल्यूज ही होती हैं सिर्फ, मतलब एक तो होता है इंटरवल, आपने सीखा होगा इंटरवल नोटेशन का मतलब, ये जो आपने बनाया इसका मतलब होता है इंटरवल नोटेशन, क्लोज इंटरवल कि -1 से 1 दोनों इंक्लूडेड और उनके बीच में भी सब, सब मतलब सारे रियल नंबर, वो लिख नहीं सकते इनफाइनाइट है तो बस ऐसे लिख के छोड़ दिया। लेकिन अगर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही आ रही है तो उनको तो मैं सेट में डिनोट करूंगा ना भाई, -1, 0, 1। क्लियर है सभी को? यस सर। मैंने एक फंक्शन लिखा था आइसोलेटेड पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी के लिए कि fx मान लो दिया हुआ है, सिग्नम फंक्शन का मॉड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन था fx दिया हुआ, लेट्स से सिग्नम फंक्शन x का मॉड, और कंडीशन क्या दी हुई थी, बस मॉड में लिखा हुआ है और कुछ नहीं बताया हुआ, ठीक है ये बात सभी को आई समझ में? कंडीशन अब मैंने लगा दी, लेट्स से मैंने कंडीशन भी लगा दी इसमें, कंडीशन क्या लगा दी, लेट्स से कंडीशन लगा दी ये वैल्यू जब है, जब x की वैल्यू क्या है नॉट इक्वल टू क्या, लेट्स से 0, और फिर मैंने कह दिया कि 1 है व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो अब आपको समझना है देखो हो क्या रहा है, जब मैंने लिखा है क्या, हाँ मैंने लिखा है कि सिग्नम फंक्शन मॉड के अंदर और साथ में क्या लिखा है, जब x नॉट इक्वल टू 0 और फंक्शन का वैल्यू 1 है इफ x इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है सिग्नम फंक्शन का जो आंसर आता था जब x 0 नहीं होता था, या तो -1 आता था या फिर +1 आता था, जब x के वैल्यू लेस देन 1 होती थी तो -1 आता था और x के वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती थी तो +1 आता था। अब उसके साथ भी मैंने क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया पूरे का, मतलब जो सिग्नम फंक्शन पूरा है उसका भी मॉड, तो अब आंसर नेगेटिव आ सकता है या नहीं बताओ? नो सर। क्योंकि क्योंकि मैंने क्या बोला, सिग्नम फंक्शन का हमने आंसर देखा था या तो -1 आता है जब एक्स के लिए 0 से छोटी होती है और 0 से बड़ा आता है, सॉरी 0 से बड़ा कह रहा हूं, जब एक्स के लिए 0 से बड़ी होती है तो आंसर +1 आता है, लेकिन अब उसका भी मॉड लगा दिया तो मॉड लगाने का मतलब हो गया कि अब तो -1 भी नहीं आएगा, अब तो हमेशा ही क्या आएगा +1 आएगा,
अब इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये फंक्शन बताओ कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा? कंटिन्यूस होगा सर। ये कंटिन्यूस होगा, उसका रीजन क्योंकि मैंने फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट पर निकालूंगा तो भी बनाएगी, राइट हैंड पे भी बनाएगा, लेकिन फंक्शन की वैल्यू एक्जैक्टली जीरो पे निकाला तो वो भी बना गया। लेकिन अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया होता, टू लिख दिया होता, तो फिर क्या होता, ये फंक्शन कंटिन्यूस होता या नहीं होता? नहीं सर। तो उसका रीजन क्या हुआ? उसका रीजन हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो एक ही जगह अप्रोच कर रहे हैं, कहां पर? वन पर, क्योंकि माइनस वन भी प्लस वन बन जाएगा, लेकिन जो फंक्शन का वैल्यू है जीरो पर वो आइसोलेट हो गया, आइसोलेट मतलब अलग चला गया, उसका वैल्यू क्या हो गया? टू आ गया। तो ये हो जाएगा आपका आइसोलेटेड पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी। और इसको मैंने बोला रिमूवल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको अगर मैं रीडिफाइन कर दूं तो ये आपका डिस्कंटिन्यूस हो गया, डिस्कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। लेकिन अगर इसको रिमूव करना है तो रीडिफाइन कर दिया मैंने, क्या लिख दिया, रीडिफाइन करके लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, सिग्नम फंक्शन एक्स मॉड व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और वन लिख दिया जब एक्स इक्वल टू जीरो। अब क्या हो गया ये, अब क्या होगा, कंटिन्यूस या नहीं? तो ये दो टाइप की डिस्कंटिन्यूटी समझ में आई, रिमूवल बेटा सभी को? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक कुछ होती है नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, तो उसको भी जल्दी जल्दी फटाफट करूंगा डिस्कस, नहीं तो पूरा क्लास इसी में चला जाएगा। फिर एक टॉपिक और डिस्कस करना है हमें, जो आपने आई थिंक सीबीएसई में नहीं पढ़ा होगा, दैट इज नोन एज रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। सभी ने पढ़ा है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में, रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम? यस। हाँ, तो वो भी जल्दी से एक बार गो थ्रू करेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी जेई लाइक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उससे बेस्ड। ओके, तो अब आता है सेकेंड टाइप की डिस्कंटिन्यूटी, दैट इज कॉल्ड नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। इसमें टाइप्स कौन से आते हैं? पहला टाइप आता है इसमें फाइनाइट टाइप। फाइनाइट टाइप को क्या बोलते हैं? जंप टाइप भी बोलते हैं डिस्कंटिन्यूटी। अब इसका नाम से मतलब कैसे मतलब निकालेंगे हम, एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। इसमें क्या होगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड जो आपका राइट हैंड लिमिट है बोथ एग्जिस्ट करेंगे एट एक्स इक्वल टू ए, क्या करेंगे, बोथ एग्जिस्ट करेंगे, मतलब उनका आंसर तो आएगा जब हम निकालेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? यस सर। हाँ, तो मैंने बोला कि जब आपने फर्स्ट टाइप के लिए डिस्कंटिन्यूटी, फाइनाइट टाइप डिस्कंटिन्यूटी, उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट बोथ एग्जिस्ट करेंगे एट एक्स इक्वल टू ए, ए पॉइंट पर। ठीक है, बट क्या होगा, बट नॉट इक्वल टू एफ ए, मतलब उस पॉइंट पर क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है? बट नॉट इक्वल होगा क्योंकि ये तो हमारा रिमूवल हो जाएगा क्योंकि उसमें तो मैं एफ ए को दोबारा रीडिफाइन कर दूंगा। तो क्या होगा, दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं बट लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल ही नहीं आ रहे, मतलब दोनों अलग अलग जा रहे हैं, मतलब जब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं आंसर डिफरेंट आ रहा है, जब राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं डिफरेंट आंसर आ रहा है। तो इसमें दोनों का आंसर फाइनाइट, मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट तो कर रही है, फाइनाइट है उनकी वैल्यू, निकल भी रही है, पर दोनों इक्वल नहीं है। तो इस ऐसी डिस्कंटिन्यूटी को हम रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड से जाने पर कहीं अलग आंसर आ रहा है, राइट साइड पे जाने पर अलग आंसर आ रहा है। जैसे एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक फंक्शन कुछ ऐसा है, लेट्स से तो मैंने लेट्स से एक पॉइंट लिया x = a, तो मेरा जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करता हूं तो मेरा आंसर आ रहा है लेट्स से 5 आ रहा है, जब मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं 5 आंसर आ रहा है, लेकिन जैसे मैंने राइट साइड से अप्रोच किया तो मेरा आंसर लेट्स से ऐसा आ रहा है। तो लेट्स से यहां पर फंक्शन का वैल्यू चला गया 7, तो अगर मैं राइट हैंड साइड से लूंगा x = a का राइट हैंड लिमिट लूंगा तो आपको आंसर दिख रहा होगा बेटा कितना आएगा, 7 आएगा, और जब लेफ्ट साइड से लूंगा आंसर कितना आएगा, 5 आएगा, और एग्जैक्टली पॉइंट पर भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, दोनों एग्जिस्ट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट, बट दोनों का जो आंसर है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट वो क्या आ रहे हैं, नॉट इक्वल आ रहे हैं। क्लियर है? ये हो गया आपका फाइनाइट, ये हो गया आपका फाइनाइट। फिर एक इसी का नेक्स्ट एक और टाइप आता है नॉन रिमूवेबल में, इनफाइनाइट टाइप। अब इस नाम से आपको समझ में आ रहा होगा मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसमें क्या होगा, आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है वो उन दोनों में से क्या होगा, कुछ ना कुछ किसी का आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, लेट से वो आंसर आ गया फाइनाइट, लेकिन जब आपने राइट हैंड लिमिट निकाला तो वो क्या आ गया, इनफाइनाइट वैल्यू आ गया, मतलब नॉट डिफाइंड आ गया। जैसे एग्जांपल, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से।
एफ एक्स लेट से दिया हुआ हमें 1 बाय एक्स दे दिया। अब 1 बाय एक्स में अगर आपको पता हो बेटा इसका ग्राफ कैसा बनता है, कुछ बच्चों को पता होगा एफ 1 बाय एक्स का ग्राफ बेटा कुछ ऐसा बनता है। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, मतलब ये 1 बाय एक्स का ग्राफ है। जब जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यूज कम करते जाओगे वाई की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू जो है, जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू जीरो पे जा रहा हूँ, एक्स की वैल्यू जीरो पे अप्रोच कर रहा हूँ, वाई का वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा है। और जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ वाई कम होता जा रहा है। तो अगर पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव वाली वैल्यूज दी आएंगी वाई की भी, लेकिन नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ मैंने एक और बनाया, क्योंकि अगर आप एक्स के लिए नेगेटिव लेते हो तो फिर वाई भी नेगेटिव आएगा। तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा बट थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव लेने पर वाई भी नेगेटिव आता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव लेने पर वाई भी पॉजिटिव होता है। तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका। अब मैंने बोला कि ये कैसा टाइप का डिसकंटिन्यूटी होगा इसमें, इनफाइनाइट टाइप। कैसा, क्यों? क्योंकि अगर एट एक्स इक्वल टू जीरो बात करें तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जीरो पर लेफ्ट साइड से अप्रोच करो या जीरो राइट साइड से अप्रोच करो, दोनों आंसर क्या आ रहे हैं? जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो बताओ क्या आएगा आंसर, बताओ क्या आएगा आंसर? लेफ्ट साइड से अगर अप्रोच करोगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस इनफिनिटी। और अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो क्या आएगा? तो आपने इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं इनफाइनाइट टाइप, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है कि इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट जो होगी वो क्या होगा, इनफाइनाइट चला जाएगा, मतलब वैल्यू जो होगा वो इनफाइनाइट चला जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर दोनों का आंसर प्लस इन्फिनिटी आ जाता है तो आप कह दो कि वो कंटिन्यूस है और फंक्शन का वैल्यू भी अगर इन्फिनिटी आ रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी जो कोई रियल वैल्यू नहीं होती। तो अगर ऐसे दोनों का आंसर इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ जाता है तो आप ये नहीं बोलोगे वो इक्वल है, ठीक है बेटा, क्योंकि इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड फॉर्म है, मतलब आपको पता नहीं कि वो क्या होता है, तो कोई एक रियल नंबर नहीं है, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को भी। ओके, और लास्ट एक और टाइप जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं नॉन रिवर्सिबल में, दैट इज नोन एज ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी, इसमें क्या होगा? ऑसिलेटरी मतलब हो गया, जैसे आपको पता है कि वेव्स जो होते हैं ऑसिलेट्स करते हैं, मतलब टू एंड बैक एंड फ्रो मोशन हम जो बोलते थे ऑसिलेशन, सभी को पता होगा वेव्स में। तो कुछ कुछ वैसा ही ग्राफ बन जाएगा इसमें। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मैंने ले लिया साइन लेट से पाई बाई एक्स, और मैंने कंडीशन लगा दी। अब इसमें मैं चेक करता हूँ कि जब एक्स की वैल्यू अप्रोच करेगी जीरो तो सोच के बताओ पाई बाई एक्स कहाँ जाएगा। जब x की वैल्यू जीरो अप्रोच करेगी तो पाई बाय x की वैल्यू कहां पे अप्रोच करेगी, सॉरी पाई बाय x, पाई बाय x की वैल्यू, पाई बाय x की वैल्यू भाई इनफिनिटी नहीं हो जाएगी, है ना? अच्छा, तो अब मुझे ये पता है कि साइन की जो वैल्यूज होती है, आपने पढ़ा है लाइक आई थिंक 9 10 से पढ़ते आ रहे हो कि साइन, जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था उसमें पढ़ा था साइन और कॉस की वैल्यूज ऐसी होती है जो माइनस वन से वन के बीच में ही रहती है, उनकी वैल्यूज बियॉन्ड माइनस वन या वन से आगे नहीं जाती। Yes. तो अब एंगल की वैल्यू, चलो कोई बात नहीं, एंगल की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, मतलब आपको पता ही नहीं कि कितना आ रहा है एंगल, बट मुझे ये तो पता है कि साइन की वैल्यू सिर्फ माइनस वन से वन के बीच में रहती है। तो इसका मतलब पता है क्या होगा, जैसे जैसे आपका ग्राफ जीरो की तरफ अप्रोच करेगा लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, जो फंक्शन की वैल्यू है मतलब एफ एक्स पूरा साइन पाई बाई एक्स की वैल्यू है, वो क्या करेगी, माइनस वन से वन के बीच में क्या करेगी, ऑसिलेट करने लग जाएगी, क्योंकि आपको एंगल तो पता नहीं है। एंगल क्या है, पाई बाय एक्स कितना आ रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, चाहे लेफ्ट साइड से लो या राइट साइड से लो, एक जगह माइनस इनफिनिटी हो जाएगा, एक जगह प्लस इनफिनिटी। और साइन की वैल्यू माइनस, चाहे किसी भी एंगल पे निकालो, चाहे कुछ कितना भी बड़ा एंगल हो, हमें पता है कि उसकी वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में ही रहती है। लेकिन अब वो क्या वैल्यू होगी, तो वो क्या करने लगता है, इसका बिहेवियर कैसा होगा, ऑसिलेट करने लगेगा, जो फंक्शन है उसका ग्राफ क्या करने लगेगा, ऑसिलेट करने लगेगा माइनस वन और वन के बीच में। तो ऐसे ग्राफ को भी हम क्या बोलेंगे, मतलब जो फंक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन रिवर्सिबल डिसकंटिन्यूटी। और इसका टाइप कौन सा हो जाएगा, ऑसिलेटरी। तो ये टिपिकल एक फंक्शन, टिपिकल एक फंक्शन ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे से, एक बच्चे इसमें सिलेबस टेक करते हैं। लेट्स से एक क्वेश्चन आया, लिमिट x टेंड टू जीरो और बोला गया साइन वन बाय एक्स ओवर वन बाय एक्स, या वन बाय एक्स नहीं लिखा, लेट्स से इसकी जगह लिख दिया ऊपर लिख दिया x मल्टीप्लाई में, यहां पे लिख दिया। अब इसकी वैल्यू मैं निकालने को बोलता हूं, तो जल्दी से फिर एक और पोल करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन है वन होगा, सेकेंड आंसर है जीरो होगा, डी आंसर, सी आंसर है नॉट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और डी आंसर है नॉन ऑफ दीज।
ठीक है, तो पोल लॉन्च कर रहा हूं मैं। ठीक है, लॉन्च कर दिया मैंने, स्टार्ट जल्दी से। लिमिट x टेंड टू जीरो, x साइन वन बाय x। एक मिनट मिलेगा जल्दी से सभी को, जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए, सभी को आंसर करना बेटा। ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से देखो, एंड आपको पता है लिमिट इवैल्यूएट करना आपको आता है कि कैसे लिमिट इवैल्यूएट करते हैं। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट दोनों इक्वल आनी चाहिए, बस कंटिन्यूटी के बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या कह रहे हो सर? ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, ऑप्शन नहीं आ रहे, बाकी सभी आ रहे हैं भाई, बाकी बच्चों से तो बेटा आंसर दे रहे हैं। अरे अरे अरे, देखो देखो आएंगे बेटा जल्दी से, बाकी बच्चे भी आंसर कर रहे हैं, सभी का या तो नहीं होता। बेटा सभी को म्यूट पे रखना है, किसी का बैकग्राउंड साउंड आ रहा है बेटा, मैंने अनम्यूट कर रखा है, बट अपने आपको म्यूट पर रखा करो, जब आपको बोलना बेटा तभी सिर्फ अनम्यूट करो। जल्दी से भाई फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए। लास्ट 10 सेकंड जल्दी से, अगर आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल कर, कि आपका आंसर क्या आ रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है। सभी ने कर दिया आंसर भाई? यस सर। ठीक है, तो मेजोरिटी बच्चों ने क्या दिया आंसर? मेजोरिटी बच्चों ने दिया है, एंड कर रहा हूं मैं, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया, तो मेजोरिटी बच्चों ने क्या आंसर दिया अभी? मेजोरिटी बच्चों ने आंसर दिया है सेकेंड ऑप्शन, दैट इज जीरो। दो जगह टाई है फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में, एंड लास्ट ऑप्शन काफी कम बच्चों ने आंसर दिया है। तो बेटा डिस्कस कर लेते हैं इसे, डायरेक्ट आंसर बताने की जगह मैं पहले डिस्कस करता हूँ, आप कैसे निकालोगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे? क्योंकि अगर देखो, अगर किसी भी फंक्शन का लिमिट किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट अगर करता है, तो पहली कंडीशन है कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। फंक्शन की वैल्यू क्या आती है उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो कंटिन्यूटी के लिए टेस्ट होता है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है और कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है। तो लिमिट एग्जिस्ट सिर्फ तब करेगी जब उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगे। तो जब लेफ्ट लिमिट निकालोगे तो आप क्या आएगा, एट एक्स इक्वल टू जीरो। जब हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस एक्स साइन वन बाय एक्स। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि इसमें तो वो साइन एक्स ओवर एक्स वाला हम फॉर्मुला लगा सकते हैं, क्योंकि जो ये x मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट x टेंड टू जीरो साइन वन बाय एक्स डिवाइड बाय वन बाय एक्स। जल्दी से बताओ ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। ठीक है, अच्छा तो अब किसी बच्चे को वाला फॉर्मूला याद आ जाएगा कौन सा, कि भाई साइन x ओवर x जब लिखा होता था और x टेंडिंग टू जीरो होता था तो वन बोलते थे सर फॉर्मूला। तो बेटा यहाँ पर वो फॉर्मूला पहले बताओ लगेगा या नहीं लगेगा, जल्दी से। यस सर। कैन वी अप्लाई दैट फॉर्मूला? यस सर। लगा सकते हैं? Yes, sir. नहीं लगा सकते बेटा, क्यों नहीं लगा सकते? अब समझो, जब x टेंड टू जीरो होता था और हम लिखते थे लिमिट साइन x ओवर x वन, तो बेटा ये तब होता था जब आपका ये x और नीचे वाला x दोनों ये भी अप्रोच करें जीरो को, तब हम बोलते हैं आंसर वन होगा। लेकिन अब इस जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें मुझे देखकर बताओ कि जो साइन के साथ एंगल लिखा हुआ वन बाय एक्स, तो क्या वन बाय एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है या कहीं और अप्रोच कर रहा है जब एक्स के लिए जीरो? जब x 0 को अप्रोच करेगा तो 1 by x पता है किसको अप्रोच करेगा? बताओ किसको अप्रोच करेगा? इनफिनिटी। इनफिनिटी को अप्रोच करेगा, राइट? सो यानी कि यहां पर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, जल्दी से बताओ।
नहीं लगा सकते, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट, तो इस तरह से वन नहीं लिखना, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस क्या था x साइन वन बाय x, ऐसे लिखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले साइन वन बाय x के जो वैल्यू है वो क्या आएगी बताओ, अगर हम वो फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगाएं तो फिर साइन वन बाय x कहाँ आ जाएगा? सर इनफिनिटी। इनफिनिटी बेटा, एक मिनट बेटा, एंगल इनफिनिटी को जा रहा है, एंगल जो होगा वो माइनस इनफिनिटी या प्लस इनफिनिटी, कौन सा एंगल कहाँ जा रहा है? जब x का वैल्यू जीरो माइनस है तो वन अपॉन x कहाँ जाएगा? माइनस इनफिनिटी ना, माइनस इनफिनिटी। Yes, sir. ठीक है, अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, एंगल की वैल्यू अगर आपकी माइनस इनफिनिटी को अप्रोच कर रही है लेकिन साइन की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो साइन की वैल्यू बेटा कहां से कहां जाती, कहां से कहां जाएगी? माइनस वन टू वन। भाई ये तो माइनस वन से वन बियॉन्ड कुछ आएगा ही नहीं ना, ये बात समझ में आई? Yes, तो फिर इसका और एक्स कहां जा रहा है, बाहर वाला जो एक्स मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वो कहां जा रहा है? वो किसको जा रहा है? कहां जीरो को जा रहा है। तो हमारा आंसर अगर जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी वैल्यू बिटवीन माइनस वन से वन अगर कुछ होगा तो आंसर क्या आएगा इसका? जीरो। जीरो। समझ में आई? यस सर। और वो वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते जैसे आप लगा रहे थे कि sin x over x 1 होता है जब x टेंडिंग टू जीरो। और अगर राइट हैंड में निकालेंगे तो जल्दी से बता दो उसका भी आंसर क्या आएगा? जीरो। जीरो। हाँ, तो अब काफी बच्चों का समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब इसमें भी क्या होगा बेटा, जब x की वैल्यू जीरो पॉजिटिव है तो वन बाय x कहां अप्रोच करेगा? प्लस इनफिनिटी। तो साइन वन बाय x कहां अप्रोच करेगा? भाई कोई भी वैल्यू आएगी माइनस वन से वन के बीच में, हमें नहीं पता क्या आ रहा है बट इसी के बीच में आएगा। और इनटू में क्या लिखा हुआ है? फिर वही जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो का अप्रोच कर रहा है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? जीरो। और ये जो दोनों वैल्यूज जो आई है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? जो मेरी वैल्यूज आई है जीरो जीरो क्या आएंगे? फाइनाइट। 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 और क्या दोनों इक्वल आ रही है? अगर दोनों इक्वल आ रही हैं तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन कैसा है? इसका लिमिट जो होगा एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा बताओ? करेगा। यस सर। करेगा। और करेगा तो कितना होगा? जीरो ही होगा बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए जल्दी से बता दो, क्या होना चाहिए? बी। बी। ज्यादातर बच्चों ने, मेजोरिटी बच्चों ने यही आंसर दिया है। ऑल आवर करेक्ट। क्लियर है बेटा? तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। यस सर। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया डिसकंटिन्यूटी का टाइप सीख लिया, कंटिन्यूटी के टाइप सीख लिए, सॉरी कंटिन्यूटी में रिमूवल और नॉन रिमूवल सीख लिया हमने अलग अलग टाइप्स। अब इसके बाद आता है रूल थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, ये भी इम्पोर्टेंट है काफी, जल्दी से मैं डिस्कस करूंगा। बहुत क्या बेटा? इसका f of a नहीं, उस वो तो लेने की जरूरत ही नहीं है ना बेटा, क्योंकि मैंने ये नहीं बोला था कि कंटिन्यूस है या नहीं, मैं तो बस बोला था कि लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी और करेगी तो क्या होगी। ठीक है बेटा, तो अभी मैं यही समझा रहा था, देखो क्या बोला था मैं क्या बोला था कि जो फंक्शन होता है अगर आपको बोला गया कि उसकी लिमिट निकालो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए क्या कंडीशन है? लिमिट एक्सटेंड टू a fx अगर एग्जिस्ट करता है, if limit fx extend to a exist then क्या कंडीशन है उसके लिए? कि बस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x equal to a equal to होना चाहिए RHL at x equal to a, सिर्फ इतना कंडीशन है, उसमें f a से कोई मतलब नहीं है अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कंटिन्यूस है तब मैं बोलूंगा कि उसका लिमिट जो होगा वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए और जो फंक्शन का वैल्यू है f a पर वो भी इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं आपको ये ग्राफ दूं ऐसा, ये मैंने ग्राफ दे दिया, लेट्स से ये दिया हुआ है x इक्वल टू a और ये वैल्यू लेट्स से दी हुई है b, तो मैं आपको कहता हूं कि इस फंक्शन का ग्राफ देखकर आप मुझे जल्दी से बताओ लिमिट x टेंड टू a fx एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? लिमिट x टेंड टू a fx एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? नो सर। जल्दी 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 भाई। नो सर। बताओ अभी तक सभी का नो सर आ रहा है यार, अभी तक फिर क्या समझा आपने अभी तक? यार मैंने अभी क्या बोला, मैंने बोला लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बस इक्वल आने चाहिए, तो भाई इसमें तो इक्वल आएंगे क्यों नहीं आएंगे भाई? यार भाई b के इक्वल आएगा, मतलब क्या बात कर रहे हो? लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब ये थोड़ा ना कि x के लिए एग्जैक्टली a पर बतानी है, a पर तो पता ही नहीं है। लेट्स से मैंने वो जो पता है वो लेट्स से वही ऐसे बोल दिया ये है वैल्यू, लेट्स से एग्जैक्टली a पर हमारा वैल्यू है लेट्स से 7। तो अब आप कहोगे सर f a का जो वैल्यू है
ए का जो वैल्यू है वो सेवन है, ठीक है, लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालता हूं तो वो सेवन नहीं, दोनों इक्वल आ रहे हैं और दोनों बी के इक्वल आ रहे हैं। भाई लेफ्ट साइड से अप्रोच करो फंक्शन को या राइट साइड से अप्रोच करो, फंक्शन की वैल्यू तो सेम आएगी। तो लिमिट का मतलब ये नहीं है कि आप एग्जैक्टली उस पॉइंट पे भी चेक करोगे कि वो इक्वल है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन को, इस फंक्शन को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट करती है क्योंकि दोनों लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल है, लेकिन फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस कौन सा, कौन सी डिसकंटिन्यूटी कोई बताएगा जल्दी से? मैंने इतनी सारी टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताई थी, रिमूवल और नॉन रिमूवल, तो इसमें से कौन सी डिसकंटिन्यूटी है ये वाली? नॉन रिमूवल एफएक्स। हाँ, कौन सी रिमूवल है भाई? रिमूवल कौन सी है ये भी तो बता दो, कौन सी रिमूवल वाली, कौन सी है? मिसिंग पॉइंट है, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, वेरी गुड। कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? आइसोलेटेड भाई। आपका जो एफ ए का वैल्यू है, एफ ए का वैल्यू सेवन आ रहा है, वो इक्वल नहीं आ रहा बी के, दैट्स व्हाई आइसोलेटेड। और मिसिंग पॉइंट में क्या होता था, अगर ये जो मैं सेवन जहां पर मैंने डॉट लगाया है सेवन पर, अगर वो मैं डॉट भी नहीं लगाता तो फिर ये मिसिंग पॉइंट हो जाता। आया समझ में? यस सर। चलो इसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है? चलो जल्दी से आ जाओ, रूल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, पहले आता है मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ते हैं पहले, कि मीन वैल्यू थ्योरम कहता क्या है। एम वी टी शॉर्ट में बोल देते हैं मीन वैल्यू थ्योरम, फुल फॉर्म इस तरह से भी लिख देते हैं, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये एक ही नाम है, कंफ्यूज मत हो जाना। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है एक फंक्शन लेते हैं, लेट्स से कोई भी एक फंक्शन, लेट्स से मैं ग्राफ लेकर लेता हूँ, लेट्स से कुछ ऐसा दिया हुआ है फंक्शन का ग्राफ, लेट्स से कोई भी एक फंक्शन का ग्राफ ले लेते हैं, लेट्स से इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से फंक्शन का कोई ग्राफ दिया हुआ है, और लेट्स से मैंने वैल्यू जो है वो डिफाइन यहां से यहां तक लिया, सिर्फ कहां से कहां तक, ए टू, ए टू लेट्स से बी तक। इस इंटरवल में इस ग्राफ को देखकर जल्दी से बता दो ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, सिर्फ ग्राफ को देखकर, मैं फंक्शन लिखने का है ये नहीं। यस सर, यस सर, भाई फंक्शन जो ये एफएक्स मैंने लिखा है इज कंटिन्यूस है, साफ देखकर ही पता लग रहा है भाई, कंटिन्यूस ऑन ए टू बी। भाई ए टू बी में कहीं पर ब्रेक आ रहा है? नहीं आ रहा ना भाई, कहीं पर भी फंक्शन में अगर ब्रेक नहीं है तो इसका मतलब उस इंटरवल में वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अच्छा, कंटिन्यूस ऑन हमेशा जब लिखोगे आप इंटरवल, तो उसमें मैंने देखो ए और बी पे कौन से ब्रैकेट बनाए, ओपन या क्लोज? क्लोज बनाने का मतलब है, क्लोज बनाने का मतलब है कि जो ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर एग्जैक्टली एंड पॉइंट्स पर भी फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा, वहां पर भी क्या है, फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। तो इसलिए कंटिन्यूटी जब हम लेते हैं वो क्लोज इंटरवल में लेते हैं। फिर नेक्स्ट, ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट कि हमने फंक्शन को देखकर एक चीज बोल दी कि फंक्शन ये कैसा है, कंटिन्यूस है। सेकंड चीज, इसको देखकर ये भी बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज डिफरेंशियबल। भाई ए से बी के बीच में डिफरेंशियबल भी है, क्योंकि जो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं मैंने बताया था, वो डिफरेंशियबल होते हैं हर जगह पर। तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो हर जगह पर डिफरेंशियबल होते हैं, तो हम फंक्शन को देखकर उसका ग्राफ देखकर एनालाइज कर सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं है। ओके, तो ये डिफरेंशियबल भी है। अच्छा, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी में मैंने लास्ट में जो ए और बी बनाया उसमें ओपन इंटरवल रखा है, उसका रीजन कोई बताएगा कि मैंने ओपन इंटरवल स्पेसिफिकली क्यों लिया, क्लोज क्यों नहीं लिया? लेकिन डिफरेंशियबिलिटी जो लेते बेटा वो एंड पॉइंट्स पे नहीं लेते या उससे पीछे या आगे नहीं लेते। उसका रीजन क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी का सिर्फ मतलब होता है कि उस इंटरवल के बीच में, मतलब ए से बी के बीच में कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर आप यूनिक एक टेंजेंट बना सकते हो। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना होता है इंटरवल में, किसी पॉइंट पे लेते हैं तो ये कहते हैं कि उस पॉइंट पे जो आपका टेंजेंट होना चाहिए वो यूनिक बनना चाहिए। लेकिन जब इंटरवल में डिफरेंशियबिलिटी लेते हैं तो उसका मतलब होता है उस ए और बी जो दो पॉइंट्स हैं उनके बीच में कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो यूनिक टेंजेंट बनना चाहिए। तो क्या बनेगा, ये कह सकते हैं बनेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. अब ए और बी पर क्यों नहीं लेते ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई ए और बी पर आपको दिख रहा होगा कि अगर एग्जैक्टली ए पर अगर मैं कहूँ कि टेंजेंट बनाओ तो कोई यूनिक टेंजेंट बनेगा क्या, सोच के बताओ, कुछ यूनिक टेंजेंट बना पाएंगे? नो सर, नहीं बना पाएंगे यार, बिल्कुल वो एंड हो गया तो वहां पर तो कोई यूनिक टेंजेंट बनेगा ही नहीं ना, तो वो तो पॉइंटलेस है। मतलब ये बात बोलना भी कि वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये तो पॉइंटलेस हो गया।
तो अगर ये ऐसा है तो फिर इसलिए हम क्या लेते हैं, हमेशा ओपन इंटरवल में बोलते हैं कि फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशियबल होगा। ये बात समझ में आई सभी को? Yes, sir. अब अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, देखो ये मीन वैल्यू थ्योरम जो कहता है वो ये कहता है कि कोई भी अगर फंक्शन इफ एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो, अगर वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में ए टू बी इंटरवल में और डिफरेंशियबल है ओपन इंटरवल में ए टू बी, तो कंटिन्यूटी जो होती है वो क्लोज इंटरवल में लेंगे और डिफरेंशियबिलिटी ओपन इंटरवल में। रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर ऐसा हो जाता है देन अब ये थ्योरम क्या कहता है, देन एफ डैश सी इज इक्वल टू होगा क्या, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, वेयर C belongs to open interval A से भी। अब देखो ये जो मैंने लास्ट में बात लिखी है then वाली, ये बहुत ध्यान से समझो। मैंने क्या बोला कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है एक इंटरवल में और डिफरेंशियबल भी है, तो कोई ना कोई पॉइंट एक ऐसा C होगा, C कोई भी एक ऐसा पॉइंट होगा जो A और B के बीच में होगा फंक्शन में, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा क्या कि डेरिवेटिव अगर आप करो मतलब एफ डैश सी निकालो तो वो किसके इक्वल आएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब सबसे पहले हम इसको लेफ्ट साइड और राइट साइड को इंडिविजुअली एनालाइज करते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी, ये कुछ कुछ ऐसा लिखा हुआ है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये लिखा हुआ है ना बेटा? यस सर। तो आपको ये दो पॉइंट का मतलब दो पॉइंट से क्या निकाला हुआ? बेसिकली तो स्लोप नहीं हो गया? यस सर। तो स्लोप हो गया किसका, अगर मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मान लेता हूँ ए और इस पॉइंट को मान लेता हूँ बी, तो बेसिकली ये तो ए और बी को पॉइंट कनेक्ट करके जो स्लोप आएगा उसका स्लोप है ना, स्लोप ऑफ ए बी, राइट? यही है ना? यस सर। क्योंकि भाई जब आप कैपिटल ए पॉइंट को लिखोगे तो कैसे लिखोगे उसके कोऑर्डिनेट, ए कॉमा एफ ए तो लिखोगे, एफ ए क्यों, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू ए है तो फंक्शन की वैल्यू एफ ए होगी, वाई की वैल्यू, और बी पॉइंट पे क्या होगा, अगर बी पॉइंट है तो एफ बी होगा, राइट? यही होगा ना? यस सर। ये आपका हो गया x1 y1 और भाई ये हो गया आपका x2 y2। तो आप y2 minus y1 upon x2 minus x1 करके मतलब क्या निकाल रहे हो, बेसिकली स्लोप निकाल रहे हो AB का। अच्छा ये तो समझ में आ गया राइट साइड पे, मतलब ये समझ में आ गया कि जो राइट साइड पे लिखा हुआ है वो स्लोप लिखा हुआ है AB का, AB जो ये लाइन हमने सेगमेंट बनाया। अब मैंने लेफ्ट साइड पे क्या लिखा है, लेफ्ट साइड पे मैंने कहा है कि कोई एक सी पॉइंट होगा ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक पॉइंट कोई सी होगा जहां पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मतलब एफ डैश सी का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं कि एफ डैश सी का मतलब क्या है, इसलिए तो एफ डैश सी का मतलब आप ये कह रहे हो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी पॉइंट, यही मतलब बोल रहे हो ना? यस सर। अगर आप ये कह रहे हो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी बनेगा और वो इसके इक्वल होगा, इसका मतलब आप क्या कह रहे हो, बेसिकली आपको 11th में एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, जब दो चीजों के स्लोप, दो लाइंस के स्लोप इक्वल होते थे तो वो लाइंस कैसी होती थी, पैरेलल होती थी। तो मैं तुम्हें एक सी पॉइंट दिखाता हूँ कि सी पॉइंट कहाँ पे होगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि अगर ए बी के पैरल वाली टेंजेंट बनानी है तो पैरल कहाँ पे बनेगी, लेट से एक तो कुछ यहाँ पे बन जाएगी इस तरह से, राइट? दिख रहा है? यस। एक ही टेंजेंट बन जाएगा, एक ऐसा यहाँ पर भी बन सकता है कुछ ऐसा पैरल, ये तो मैं रफली फिगर बना रहा हूँ, बट आपको समझ में आ रहा है ना कि दो पॉइंट ऐसे हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि दो ही होंगे, ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ कि दो पॉइंट कह रहा हूँ, कोई एक पॉइंट मिनिमम पक्का होगा लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखने से ऐसा पता लग रहा है कि दो पॉइंट होंगे जहां पर टेंजेंट जो होगी वो ए बी के साथ क्या होगी, पैरेलल होगी। ये बात समझ में आई? यस सर। तो ये वो वैल्यूज है सी की जहां पर टेंजेंट बनाने पर ए बी के साथ क्या बनेगी, पैरेलल बनेगी। और ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जब भी ऐसा कोई आप कर्व बनाओगे या कुछ भी बनाते हो तो ये बात समझ में आ रही होगी, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफरेंशियबल है, इसका मतलब है कि बीच में वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा। तो अगर मैं ए और बी पॉइंट उन दोनों पॉइंटों को कनेक्ट करके अगर स्लोप निकालता हूं तो स्लोप आएगा ए बी का, और वो जो ए बी का स्लोप होगा ए से बी के बीच में उस कर्व के ऊपर कोई ना कोई ऐसे पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा, कम से कम ये जो सी लिखा है एटलीस्ट वन पॉइंट सच दैट कि जो सी होना चाहिए वो किससे बिलोंग करना चाहिए, C belonging to A to B, मतलब A और B के बीच में पक्का कुछ ना कुछ कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर स्लोप बनाने पर टेंजेंट का वो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, A B के। ये बात समझ में आई सभी को? Yes sir. Yes sir. तो this is the mean value theorem, ये आपका mean value theorem है, और मैंने बोल दिया कि जो C है वो कम से कम एक वैल्यू होगी, कम से कम मतलब एक तो पक्का निकलेगा, एक से ज्यादा भी निकल सकते हैं, तीन चार पांच कितने भी निकल सकते हैं, बट एक तो पक्का होगा। और जो C होगा वो कौन सा वाला कंसिडर करेंगे, जो ए और बी के बीच में, क्लियर है?
अब जल्दी से, क्योंकि अब जो नेक्स्ट नेक्स्ट अगर ये समझ में आया किसी को तो बेटा, अगर किसी को नहीं समझ आया पहले वो हाथ उठा दो जल्दी से या अनम्यूट करके बताओ, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं समझाना समझाऊंगा वो तभी समझ में आएगा जब ये समझ में आए, क्योंकि वो इसी का एक्सटेंशन आ गया। हाँ कोमल बेटा आप बोलो जल्दी से, क्या समझ में नहीं आया बेटा बोलो। हाँ बेटा जिन्होंने हाथ उठाया फिर से रिपीट करवा, फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने फिगर में उसी में नहीं जाता, अब दोबारा एक बार जल्दी से बना देता हूँ। लेट्स से कुछ ऐसा फंक्शन है, बस इतना ही दिया हुआ। लेट्स से ये ए पॉइंट है बेटा और ये पॉइंट है आपका बी, ठीक है, और ये आपका ए पॉइंट है, ये लेट्स से बी पॉइंट है। यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट होंगे ए कॉमा एफ ए और यहाँ पे होगा बी कॉमा एफ बी, ये बात समझ में आई, ठीक है। yes. और मैंने कहा कि अगर मैं ए बी का स्लोप निकालूंगा बेटा तो कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे ना एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये लिखोगे ना वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब वो पॉइंट y2 y2 y1 ना लिखकर मैंने ऐसे लिख दिया एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। yes, तो ये आपने स्लोप निकाल दिया किसका बेटा, स्लोप ऑफ ए बी। अच्छा ये ए बी का स्लोप आ गया जो मैंने ज्वाइन किया, और मैंने क्या बोला कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशियबल भी है ए और बी के बीच में। ये ग्राफ को देख कर ही समझ में आ रहा है कि ग्राफ जो है ए से बी तक पूरा कंटिन्यूस है, ए और बी पर भी डिफाइंड है और बीच में भी डिफाइंड है हर जगह पर, और डिफरेंशियबल इसलिए क्योंकि बीच में कहीं पर भी आप टेंजेंट का स्लोप यूनिक बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मैंने बोला कि कोई एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा सी होगा कहां पर ए और बी के बीच में, जहां पर जब आप टेंजेंट बनाओगे, टेंजेंट मतलब एफ डैश सी, एफ डैश सी का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, आप कह रहे हो सी पॉइंट पर टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, ए बी के स्लोप के इक्वल होगा, जो कि ये लिखा हुआ है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये मैं दिखा देता हूं कहां होगा, देखो एक पॉइंट यहां ले लेते हैं इस पॉइंट पर, ये ए और बी के बीच में आपको दिख रहा होगा, और अगर मैं यहां पर टेंजेंट बनाऊंगा तो आपको दिख गया बेटा ए बी के पैरेलल आ रहा है। यस सर। और ये जो आपका सी पॉइंट मैंने लिया, ये वाला सी पॉइंट सी कॉमा एफ सी, तो ये जो सी पॉइंट है बेटा इसकी एक्स की वैल्यू आपको दिख रही है ए और बी के बीच में ही आ रही है बेटा, ये बात भी समझ में आ रही है। यस सर। तो ये बात क्लियर हो गई अब। Yes. और मैंने क्या बोला सी के बारे में, मैंने जो बात बोली वो क्या बात बोली कि सी ए और बी के बीच में होगा, और दूसरी बात मैंने बोली कि सी की कम से कम एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, कम से कम का मतलब था एक, एक से ज्यादा भी हो सकती है, कुछ बच्चे सिर्फ सोचते हैं एक ही निकलेगी, एक से ज्यादा भी निकल सकती है। अच्छा एक से ज्यादा आती है लेकिन अगर वो ए और बी के बीच में नहीं है तो उनको इग्नोर कर देना, हमें जो वैल्यू फाइंड करनी होगी वो ए और बी के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। यस सर। चले भाई नेक्स्ट टॉपिक रोल्स थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम आती है आपकी रोल्स थ्योरम। अब रोल्स थ्योरम क्या कहता है, यही वाला जो मैंने थ्योरम समझाया इसी का एक्सटेंशन है, मतलब एक स्पेशल केस है रोल्स थ्योरम, बेसिकली कुछ नहीं है, अलग नहीं है, स्पेशल केस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम का एक स्पेशल केस है। अब स्पेशल केस कैसे है, लेट से हमने इस बार ग्राफ कुछ ऐसा लिया, ऐसा ग्राफ लिया, ये पॉइंट ले लेते हैं हम ए और लेट्स से ये पॉइंट ले लेते हैं एक्स की वैल्यू बी, तो ये दो वैल्यूज हैं एफ ए और एफ बी। अच्छा ग्राफ देखकर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, कुछ आइडिया लग रहा होगा कि सर ने बिल्कुल सेम लेवल पे लिए दोनों पॉइंट ए और बी, तो इसमें क्या कंडीशन है, इसमें बस एक कंडीशन एक्स्ट्रा होगी बेटा, क्या, तो इफ पहली कंडीशन है इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज कंटिन्यूस ऑन इंटरवल, लेट्स से इज कंटिन्यूस ऑन इंटरवल दे रखा है ए टू क्लोज इंटरवल ए टू बी, क्योंकि कंटिन्यूटी हम क्लोज इंटरवल में लेते हैं, और ये भी दिया हुआ है कि इफ फंक्शन को देखकर हमें ये भी समझ आ रहा है इज डिफरेंशियबल ऑन ए टू बी, ओपन इंटरवल ए से बी में डिफरेंशियबल भी है, एंड थर्ड कंडीशन और एंड एफ ए और एफ बी दोनों की वैल्यूज भी सेम है, तो आपको दिख रहा है वाई की वैल्यूज जो है ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर दोनों की वैल्यू सेम है, दिख रही है बात बेटा। यस सर। तो ये जो वैल्यू है ये सेम भी है, लेट्स से कुछ भी ले सकते हैं एफ ए इक्वल टू एफ बी, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, लेट्स से पी ले लेते हैं, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल भी होनी चाहिए, तो इसमें ये तीसरी कंडीशन एक्स्ट्रा हो गई। मतलब मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता था, बस कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल होना चाहिए, सी एग्जिस्ट करेगा और इस तरह से कि एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने बोल दिया कि फंक्शन की जो वैल्यूज हैं ए और बी पॉइंट पर इस बार वो भी सेम है, ये तीसरी कंडीशन हो गई। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ऐसा हो गया, ऐसा कब होगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा जो ए बी का स्लोप निकलेगा बेटा वो कैसा निकलेगा, बताओ
इस बार जो हम एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए लिखते थे, इस बार वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, क्या क्या, जीरो. वेरी गुड, बहुत अच्छे. देन देन देयर एग्जिस्ट, देन ये शॉर्ट फॉर्म होती है देयर एग्जिस्ट, उल्टा ऐसे ही बना देते हैं, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू ए टू बी सच दैट मतलब इस बार भी क्या होगा, कम से कम एक सी की वैल्यू ऐसी होगी जहां पर एफ डैश सी, इस बार क्या होगा, जो हमने एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए लिखा था, इस बार वहां पर बेटा क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे. क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा होगा जो इस बार स्लोप होगा ए बी का, स्लोप ऑफ ए बी वो क्या होगा, जीरो होगा भाई. क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगी, दिख रही है, जो ए बी का स्लोप है वो बेटा क्या है, ए बी जो है वो हॉरिजॉन्टल है, राइट. हॉरिजॉन्टल का आपको पता है स्लोप जो होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या होता है, स्लोप जीरो होता है. तो अब वो जो सी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कहां पे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा वो कहां पे होंगे, अब वो टर्निंग पॉइंट पे होंगे, राइट. क्योंकि आपको पता है डेरिवेटिव आपने सीखा होगा एप्लीकेशन में कि टर्निंग पॉइंट पर जब भी हम क्या करते हैं, स्टेशनरी पॉइंटों पे जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो कैसे बनती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनती है, राइट. तो ये आपका एक सी वन आएगा और ये आपका सी टू आएगा. तो दो जगह पे टर्निंग पॉइंट था इसलिए दो आ गए, क्लियर है. कम से कम एक तो पक्का होगा. और आपको ये भी दिख रहा होगा जो सी वन सी टू आए दोनों के दोनों वो किससे बिलोंग करते हैं, ए टू बी से इंटरवल के बीच में ही होंगे, राइट. दिख रहा है? Yes, sir. Yes. सभी को आया समझ में भाई, जल्दी से बताओ. Yes, sir. कि मैंने यहाँ पर रोल्स थ्योरम में बस मैंने क्या रख दिया भाई, मैंने रख दिया जीरो रख दिया, और कुछ नहीं था बस, ठीक है. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलो एक जल्दी से फटाफट एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं. लेट्स से हमें दिया हुआ है एक फंक्शन दिया हुआ है, लेट्स से मैंने फंक्शन दे दिया आपको, लेट्स से एफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, एंड बोल दिया कि एक्स बिलोंग्स टू एक इंटरवल दे दिया, लेट्स से कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्स की, हमें दी नहीं हुई, मतलब हमने बस बोल दिया कि फंक्शन डिफाइंड है, चलो इंटरवल भी दे देते हैं वन से टू कर देते हैं. और बोला गया है इफ एफ एक्स होल्ड्स ट्रू फॉर, इफ एफ एक्स होल्ड्स रोल्स थ्योरम, एफ एक्स होल्ड्स रोल्स थ्योरम इन 1 to 2 interval, then आपको बताना है कि value of आपको बतानी है जो unknown variables हैं कौन कौन से, b और c, b and c क्या होगी, आपको बताना है कि b और c की value क्या होगी. अगर मैं कह देता हूँ कि ये function जो है वो Rolle's theorem के लिए जो condition जरूरी है वो hold करता है true, तो इस interval में 1 से 2 के बीच में, then b और c की value कितनी होगी, और ये भी बोल दिया होल्ड्स ट्रू रोल्स थ्योरम इन इंटरवल 1 से 2 एट, कहां पर x की वैल्यू भी दे दी आपको कि कहां पर होल्ड करता है ट्रू, 4/3, x की वैल्यू 4/3 पर, मतलब ये बेसिकली आपको जो c में बोल रहा था ना स्टार्टिंग में, ये वाला जो c में बोलता था कि कोई ना कोई मिनिमम एक पॉइंट ऐसा होगा a और b के बीच में c की वैल्यू जिसके लिए रोल्स थ्योरम क्या होगा ट्रू होगा, यानी कि एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा. तो यहां पर वो जो c पॉइंट है बेसिकली वही आपका 4/3, और आपको निकालना क्या है f, जो एफ एक्स दे रखा है उससे आपको b और c जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनका वैल्यू निकालना है. तो पहली कंडीशन अगर आपने बोल दिया कि रोल्स थ्योरम होल्ड करता है ट्रू, तो इसका मतलब कंडीशन क्या होगी, कंटिन्यूस तो पता ही है मुझे है ये, क्योंकि पॉलीनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशियबल भी है, ये भी पता हर जगह होता है मुझे. लेकिन अब थर्ड कंडीशन याद है किसी को क्या होती थी, भाई बिल्कुल ठीक है, एफ ए इक्वल टू एफ बी रख दो जल्दी से, क्या आएगा, दोनों को इक्वल रख दो, तो एफ ए रखोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस बी प्लस सी, और राइट साइड पे क्या आएगा, जब 2 रखोगे तो क्या आएगा, 8 प्लस 4b प्लस कितना, 2c. तो यहां से क्या हो गया आपको, एक इक्वेशन मिल गई, जल्दी से बताओ क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी 3b प्लस सी, और राइट साइड पे सिर्फ क्या रह जाएगा, राइट साइड पे अगर मैं लेके आऊं 8 को तो माइनस 7 हो जाएगा, राइट, 1 माइनस 8, ठीक है जी, ठीक है. Yes, sir. तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, और मैथमेटिक्स में आपको ये बात पता है कि अगर दो इक्वेशन दी हुए लीनियर इक्वेशन तो, और दो वेरिएबल दे रखे हैं बी और सी, तो उनकी यूनिक वैल्यू हम निकाल सकते हैं अगर एग्जिस्ट करती है तो. अच्छा, तो अब लेकिन एक इक्वेशन तो आ गई आपके पास इस कंडीशन से कि एफ बी और एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल होंगे, तो वो तो आ गया आपके पास कंडीशन से, ए आपका ये था 1 और बी आपका 2 था.
अब एक और इक्वेशन निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी? रोल्स थ्योरम ये भी कहती थी कि अगर कंटिन्यूअस है, डिफरेंशियबल है, तो कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो कि 4/3 यहां पर दिया हुआ है, जहां पर डेरिवेटिव करने पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? जीरो आएगा। तो रोल्स थ्योरम अगर 4/3 पर आपकी होल्ड करती है ट्रू, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि एफ डैश 4/3 कितना है? जीरो, ये कह रहे हो ना? ठीक है। तो एफ डैश, एफ डैश 4/3 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? पहले एफ डैश एक्स निकालूंगा, डायरेक्टली 4/3 तो नहीं पुट करेंगे, पहले एफ डैश एक्स निकालो जल्दी से। बताओ क्या आएगा? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x² प्लस बी एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा? 2bx, और सी एक्स का कितना हो जाएगा? सी, है ना? और इसमें क्या कह रहे हो आप? एक्स की वैल्यू कितनी रखनी? 4/3 रखनी। तो 3 × 4/3 का स्क्वायर क्या होगा? 16/9 प्लस 2b × 4/3 प्लस सी इज इक्वल टू क्या रख दोगे? 0। यहां से आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई, और जब सेकेंड इक्वेशन आ गई और फर्स्ट इक्वेशन पता है तो बी और सी की इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल लोगे। टेंथ क्लास में सीखते हैं ना एलिमिनेशन मेथड से या किसी सब्स्टिट्यूशन से। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा सभी को। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये आपकी रोल्स और मीन, रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, ये आपको समझनी है। प्लस मैंने कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी दोबारा एक्सप्लेन किया बेटा, ढंग से अच्छी तरह से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। एंड वीडियो अगर देखना पड़े तो दोबारा देखो, नोट्स भी लाइक सेव कर दिए मैंने, तो आपको लाइक एक्सेस करने के लिए कहीं पर एक लिंक शेयर कर दिया जाएगा जहां पर आप एक्सेस कर पाओ बेटा। ठीक है, और जिन जिन के आंसर रॉन्ग आए थे जब मैंने पोल कंडक्ट किया बेटा, वो एक बार दोबारा गो थ्रू कर रहा हूं उन क्वेश्चन से। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए बेटा, और अपना अच्छे तरह से प्रिपेयर करके जितना कर सकते हो बेस्ट प्रिपेयर करना। ठीक है, एंड कल आपका टाइमिंग जो होगा बेटा वो नोट कर लो सारे के सारे, भूल मत जाना। कल आपका जो टेस्ट का टाइमिंग है बेटा वो 10 to 12 है, टेस्ट संडे का टाइमिंग आपका 10 to 12 होगा। ये सभी को टाइम ना याद रखना है, और टाइम से सभी के सभी अपना लाइक टेस्ट ज्वाइन कर लेना और अपना कंप्लीट टाइम से करके सबमिट करना। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, ओनली मैथ का ही है टेस्ट? नहीं बेटा, तीनों का होगा ना, 2 घंटे का जो होगा उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों होंगे। ठीक है, पैटर्न क्या होगा सर? क्वेश्चन कितने आएंगे? 15 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे बेटा सारे, 40 to 45 क्वेश्चन होंगे, और 45 क्वेश्चन होंगे आई थिंक, 15 क्वेश्चन फ्रॉम ईच। ठीक है सर, गूगल फॉर्म में होगा? हाँ, गूगल फॉर्म पे होगा बेटा। ठीक है, एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, तो आपके पास रफ नोटबुक अपना प्रिपेयर रखना पेन के साथ, ताकि आपको कैलकुलेशन वगैरह कुछ करनी पड़े तो आप कर पाओ। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।